अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो यार आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है कि भाई ने मुझे ना व्हाट्सएप में मैसेज किया कि भाई मेरी एक तोती है, फीमेल है, उसने अंडे दिए थे, ठीक है, तो उसने एक बच्चा निकाला, तो अभी बाकी अंडों में से बच्चे नहीं निकले हैं, तो ये उसके अंडे तो नहीं ख़राब हो गए हैं। तो आज इस वीडियो पे मैं यानी कि बात करूँगा, टॉपिक पे बात करूँगा। जिन लोगों को पता है उनको तो पता ही है, जिनको नहीं पता यार ये वीडियो उनके लिए है, ठीक है। जान तो मैं बहुत से लोगों को पता, लेकिन जिनको नहीं पता ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अभी देख सकते हैं, मैं तो अभी अपने परिंदों से ब्रीड नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, गर्मी बहुत है। ये आप देख रहे होंगे कि किस तरह से मेरा ये जो है बस हांपरा है, ये वाला, और भी दूसरे भी हांपरे हैं, आप फिशर को भी देख सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि यार कैसे यानी कि क्या रीज़न है वो अब अंडे ख़राब हुए हैं, कि क्या मसला बना, वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ, ठीक है। अंडे भी उस बाइट में जो शेयर किए थे, तो भाई बात भला क्या है, अक्सर मादियाँ जो होती हैं एक अंडा देती हैं, ठीक है, तो फिर वो जो दूसरा अंडा होता है ना उसमें ना 2 या 3 दिन के बाद देना होता है, ठीक है। तो कुछ मादियाँ ऐसी होती हैं जो अंडा देने के बाद ना बैठती नहीं, यानी कि एक अंडा दिया वो नहीं बैठती है, वो तब बैठती है अंडों के ऊपर जब वो सारे अंडे दे देती है, ठीक है। फिर बच्चे एक दिन ही निकल आते हैं सारे, एक दिन या एक दिन छोड़ कर दूसरे दिन सारे बच्चे क्लियर निकल आते हैं। जो कुछ मादियाँ होती हैं एक अंडा दे के वो बैठ जाती हैं, तो फिर 3 दिन बाद वो तीसरा अंडा देती हैं, दूसरा अंडा देती हैं, तीसरा अंडा देती हैं। वो फिर टाइम होता है अंडे का, यानी कि ना वो टाइम आगे बढ़ जाता है। अगर आपका पहला बच्चा आज निकला ना, तो दूसरा बच्चा 4 या 5 दिनों में भी निकल जाता है। हो भी सकता है कि पहले निकले 4-5 दिनों में निकल आएगा, अगर अंडे ख़राब हो गए होंगे तो वो मादी खुद ही बाहर फेंक देगी। अगर 5 से 6 दिनों में अंडे में से बच्चा नहीं निकलता, या तो रीज़न यही है कि बच्चा अंदर ही मर गया, या तो फिर अंडे ख़राब हो गए, ठीक है। ये 2 रीज़न है, या बच्चा बना था तो वो अंदर मर गया हुआ है, ठीक है। आप देख भी सकते हैं, और सबको ही पता है मेरे भाइयों को, मोबाइल की आप लाइट ऑन कीजिए तो उसमें आप देख सकते हैं अंडा रखते हैं, बीच में है बच्चा है कि नहीं है, पता चल जाता है बच्चा मरा है कि नहीं मरा, क्योंकि अंडे अंडे की जो शेल है ना वो उसका कलर ही अजीब सा हो जाता है, ठीक है। बाकी आप मेरे भाई, मैं आपसे यही कहूँगा कि 4 से 5 दिन आप इंतज़ार कर लो, अगर नहीं बच्चे निकल रहे तो ठीक है, फिर अंडे ख़राब हो गए हैं तो वो खुद ही बाहर फेंक देगी, आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैंने आगे आपको बताया था गर्मी में ब्रीड लेने का कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान ही होता है। बेशक वो मादी कितनी मर्जी अच्छी हो, कोई भी पेयर होता है जो फीमेल होती है वो बच्चे सारे निकाल लेती है, ठीक है। नहीं तो ज़्यादातर मैंने यही देखा कि ब्रीड अच्छी नहीं आती है गर्मी में, इनको रेस्ट ही देनी चाहिए, ठीक है मेरे भाई। बाकी और कोई वजह नहीं है, अगर एक कुछ मादी मैं बता रहा हूँ होती है एक अंडा देने के बाद वो बैठ जाती हैं, तो कुछ मादी होती है जब तक वो पूरे अंडे नहीं दे देती है वो अंडों पर नहीं बैठती, जब वो पूरे अंडे देती है वो फिर बैठती हैं, फिर ना एक ही लेवल हो जाता है, यानी कि एक दिन ही बच्चे निकलेंगे। कुछ मादी ने आज अंडा दिया वो बैठ गया, तो फिर जो दूसरा अंडा वो 3-4 दिन बाद देती है, तो वो फिर ज़रा टाइम से यानी कि ना वो डिले हो जाता है टाइम, जो दूसरे अंडे वो उनमें से बच्चे लेकर निकलते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।